हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जो आपको चाहते हैं वो अपने फ्रेंड से क्या कहते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना रेजोनेट आपके साथ आपको लग रहा है, सिचुएशन के साथ कार्ड्स मैच हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी देखते हैं हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। हमारे पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम चल रहा है, इसलिए हो सकता है रीडिंग के बीच में आपको काम की कुछ आवाज सुनाई दे, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि काम चलता ही रहता है, तो सुबह से बस यही चल रहा है। पहला जो कार्ड है द वर्ल्ड, तो पहली तो बात आपके पर्सन यही कहते हैं कि आप उनकी दुनिया है, मतलब आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं वो। भले ही दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, लेकिन अपने दिल की जो छोटी सी दुनिया है वहाँ पे अगर किसी का राज चलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका। तो आपके बारे में जब भी बातें कुछ डिस्कस होती है, ये वही बताते हैं कि वो मेरे लिए मेरी दुनिया बन गया है या बन गई है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से तो निकलना नहीं चाहते। ऑब्वियसली इस रिश्ते को लेके काफ़ी कुछ उन्होंने सोच के रखा है और वही सब बातें वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप की थोड़ी सी एनर्जी है, इसके दोनों हाथों में दो जग वगैरह है, तो वैसे ही ये विश कार्ड होता है। तो आपके पर्सन यही बताते हैं कि मुझे बस वो अपने ज़िंदगी में चाहिए, मतलब उनके सच्चे दिल से अगर कोई विश है तो वो है आपका साथ। जब भी आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में आता है तो उनका मन बस यही करता है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो यही चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इसके दोनों हाथों में दो पेंटिकल है, वैसे ही एक तरफ हो सकता है इनके घर वाले हैं और एक तरफ इनके घर कुछ अपनी दिल की ख्वाहिशें हैं जो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फील करते रहते हैं, मतलब ना वो अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हैं और ना ही आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना चाहते, बस किसी तरह से वो चाहते हैं कि ये दोनों बातें साथ में लेके वो आगे चले, यानी कि अपने घर वालों को भी शायद ये पर्सन मनाना चाहते हैं और साथ ही साथ घर वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनको कितना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आफ्टरऑल ये उनकी दिल की विश है कि वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक तराजू है जो बताता है इक्वल गिव एंड टेक को, तो वैसे ही आपके बारे में वो ये भी बताते हैं कि आपसे जब से वो मिले हैं उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। जैसे यहाँ पे दोनों तराजू सेम पर डे में, मतलब एक अलग अलग पर डे में होने के बावजूद वजन सेम दिखा रहा है, वैसे ही उनको लगता है कि आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है, यानी कि जो पर्सन जैसा उनको चाहिए था अपनी ज़िंदगी में आप सेम टू सेम वैसे ही है जैसी उनके दिल की चाहत थी या जैसा वो चाहते थे या चाहती थी। नेक्स्ट है द लवर्स, यहाँ पे तो ये कार्ड सब कुछ बताता है, तो वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये प्यार कैसे उनकी साइड से हो गया या वन साइडेड लव है, ये भी सब वो बातें बोलते रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि वो आपसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और आपके अलावा ये किसी के बारे में सोच नहीं सकते या फिर सोच नहीं सकती। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरवाजा गेट ओपन करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी यहाँ पे दो सॉर्ट पड़ी हुई है और ये सोच रहा है कि क्या मैं उसको भी लेके अपने साथ चलूँ। तो जब भी आपके बारे में कुछ दोस्त पूछते हैं तो आपके पर्सन शायद यही बताते हैं कि काफ़ी कुछ है जो उनको आपसे कहना है, लेकिन कई बार ये कुछ बातों को कहने से हिचकिचाते हैं। कुछ घर के मसले हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे दिल के खौफ है उनके, जो उन्हें अपने दिल की बातें शेयर नहीं करने देते, और यही वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे समझाऊँ या फिर कैसे बताऊँ अपने दिल की बातें। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। यहाँ पे भी तराजू आया है और यहाँ पे भी सिक्स ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड में भी तराजू आया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने उनके साथ सही किया है। मतलब जो भी वो विश मांग रहे थे, जो भी उनकी ख्वाहिशें थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती है जब वो आपके साथ अपना कनेक्शन फील करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गिफ्ट है उनके लिए जो यूनिवर्स ने भेजा है, कि उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल उनको इस तरह से मिल रहा है कि तुम्हें अपने जैसा जैसा पर्सन चाहिए था या तुम्हारी जो विश थी वही तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये सोचते हैं कि मे बी अगर घर वाले आपको लेके एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर आपके घर वाले अगर इनको आपके बराबर का नहीं समझते, तो ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि आप दोनों अपने आप को, मतलब आप दोनों को तो पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, और इसीलिए आपको इसी बात को फोकस करना चाहिए, ना कि बाकी लोग क्या कहते हैं, बल्कि इनके घर वाले या फिर आपके घर वाले ऐसा इनको लगता है। तो ये यही चाहते हैं कि बस बात है सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की। आप दोनों को अगर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसी बात का फोकस होना चाहिए, ना कि बाकी के हालातों का। हो सकता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर वालों की वजह से इस रिश्ते में, और यही सब बातें ये पर्सन बोलते रहते हैं कि हम दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वालों के कुछ मसले हैं। और फाइनल कारण है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एसेस हमेशा न्यू बिगनिंग को दर्शाते हैं, तो जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है ये यही बोलते हैं कि मुझे ज़िंदगी में अगर किसी के साथ आगे बढ़ना है या मैं बढ़ना चाहती हूँ तो वो है ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे जैसे फायर दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपके प्यार में तड़पते रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके प्यार में इस तरह से वो डूब गए हैं कि वो नहीं चाहते कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई आए। और इसीलिए ये पर्सन हज़ार मुसीबतों के बावजूद भी अगर किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। नेक्स्ट है क्लियरिंग ऑरा। जैसा कि हमने बाकी के कार्ड्स में देखा, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द या फिर इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये आपके घर वाले हो सकते हैं या फिर इनके घर वाले हो सकते हैं, और इन्हीं बातों की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। अगर ये सब प्रॉब्लम साइड में हो जाए तो आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो बताते हैं। फिर हैं विल यू मीट मी, तो कुछ लोग शायद काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो वो आपको पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनसे मिलेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये मिलना पॉसिबल होगा कैसे। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप से भी गुजर चुके हैं जो दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे पूछे कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या क्या तुम मुझसे मिलोगी। फिर है प्लानिंग, तो काफ़ी कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपको मनाने का या फिर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन जो प्लानिंग ये कर रहे हैं वो इनको नहीं लग रहा कि पूरी तरीके से परफेक्ट है। तो ये दोस्तों से यही पूछते रहते कि तुम्हें क्या लगता है मुझे और क्या करना चाहिए। मतलब जैसे कि फैमिली को मनाना हो वो अलग मसला होता है, फाइनेंशियल अगर कुछ दिक्कतें सॉल्व करनी हो वो अलग बात होती है, और अगर कोई किसी के ऊपर नाराज़ है तो उसको मनाना होता है तो वो अलग बातें होती है। तो ऐसे ही किसी किसी के अलग अलग जो जो मसले हैं ये उनको लेके पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या करने से मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आई नीड टू मेक अ मूव, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसे शांत बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब अगर इस रिलेशनशिप को वर्क करना है तो इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट लेने होंगे, भले ही वो घर वालों को मनाना हो, करियर के कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको अगर उन्होंने ब्रेकअप करके सेपरेट भी कर दिया है तो इन्हें दोबारा आपसे कनेक्ट होना है तो भी इन्हें सामने से आपकी तरफ बढ़ना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें वो समझ गए हैं। नेक्स्ट है आइज दैट स्टेयर, तो काफ़ी ज़्यादा आपका इंतज़ार आज भी ये पर्सन करता है या करती है। मतलब कुछ लोग शायद
ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, फिर भी अपने दोस्तों से फ्रेंड से यही बातें करते कि पता नहीं क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ उसी का इंतज़ार है। नेक्स्ट है लीविंग। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि आप उनको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो ये एहसास ही उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि आप उन्हें छोड़ के ज़िंदगी में अलग दिशा में जा रहे हैं। और अभी भी अगर आप आगे बढ़ने को तैयार भी हैं तो भी ये चाहते हैं कि आपको ये रोके, भले ही आप दोनों में कुछ बहस हुई है, कुछ झगड़े हुए हैं। नेक्स्ट है वेटिंग। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दिल से इंतज़ार कर रहा है, आज भी आपका, कुछ लोगों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा वक्त भी हुआ हो सकता है, शायद 2-4 साल भी हुए हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई किसी रिलेशनशिप में है तो आज भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया है और आपका इंतज़ार कर रहा है, और शायद इसीलिए ये अपने दोस्तों से कहते रहते हैं कि मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फाइनल कार्ड है यू नीड टू से सॉरी। किसी के बीच में शायद कुछ कहासुनी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये घर वालों की वजह से भी हो सकती है, और इसलिए इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ तो आप दोनों के बीच में परफेक्ट है, बस आपको एक बार उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात उनको चुभ गई है जिसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से सॉरी का, और ये सॉरी जैसे ही उनको मिल जाता है चांसेस बनते हैं कि ये पर्सन आपको अपने दिल की बातें बता देंगे कि ये असलियत में आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।